Good morning, dear friends. Once again, we will start with our physics lecture. Again, we will continue with the problem solving only because we know that on 9th, your exam will be there. So, as a practice of exam, from some different books, I am finding some problems and I am giving you that. Okay. So, let's start with once again the problems. Okay. Write down the problem of one. In this problem, wait for a while. If m is the mass of the earth and r is the radius. M is the mass of the earth and r is the radius. If m is the mass of the earth and r is the radius, the ratio of gravitational acceleration and the gravitational constant is. Ratio of gravitational acceleration and gravitational constant. Earth ka mass m hai and radius r hai. तो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? आर स्क्वायर बाय एम बी आई आपका एम बाय आर स्क्वायर सी आई आपका एम आर स्क्वायर और डी आई आपका एम बाय आर. अगर अर्थ का मास एम है और रेडियस आर है तो रेशियो ऑफ जी बाय जी gravitational acceleration to the constant of gravitation. Okay. So, g कितना है? G is g m upon r square. तो अभी आपको समझ गए? तो ratio g by g कितना हो जाएगा? G by g हो जाएगा आपका g m upon r square divided by g मतलब 1/2. तो ये ratio हो जाएगा m by R square. So this will be your answer. I will suggest you to note this now. Ho gaya? Okay. Now, next problem we will solve. The masses of two planets are in the ratio 1:2. Masses of two planets m1:2 is 1:2 masses of two planets. So we need to know masses of two planets are in the ratio 1:2. Okay, what they are asking? Their radii are in the ratio 1:2. R1:R2 capital equals to 1:2. दोनों का रेडियस भी r1 r2 1:2 है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द ऑन द प्लैनेट r इज द रेशियो g1 g2 क्वेश्चन. एक्चुअली दिस यू कीप एज अ होमवर्क. आई विल एक्सप्लेन यू इन आई विल कीप. दिस इज द रेशियो ऑफ मासेस. दिस इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स. तो मासेस आर इन द रेशियो m1:m2 is 1:2. Radii are in the ratio 1:2. So, what will be the ratio of acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity. Time. इसका ऑप्शन दिया है 1:2, 2:1, 3:5, 5:3. 1:2, 2:1, 3:5 and 5:3. ये ऑप्शन है ए बी सी एंड डी. ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? ठीक है, कुछ नहीं है, आपको रिमेंबर करना है. रिमेंबर क्या? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो जी इज कांस्टेंट. तो अगर जी कांस्टेंट है आपका, if g is constant,
then I can write G is proportional to M upon R square. So we can listen now. Simple written. G1 by G2 is equal to M1 R2 square. Upon how many? Inverse proportion, direct proportion. Upon M2 R1 square. Whatever. So we M1 of M1 upon M2 is the minus 2. So G1 upon G2 1 upon 2 for R2 upon R1 bracket square. R1 upon R2 1 is 2. R2 upon R2 2 is 2 1 bracket square. तो आपका आंसर आ गया. तो मतलब इसको करना पड़ेगा आपको, और उनमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना पड़ेगा. पूरा आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी कुछ करना चाहिए. I suggest you note this down. ओके ठीक है, अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के. प्रॉब्लम नंबर 3 में प्रॉब्लम नंबर 3 में जाते हैं अभी. थ्री इक्वल मासेस ऑफ 1 kg ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके आपका बच्चा का होमवर्क बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन बाद का आपको करना पड़ेगा. ओके 1 kg each of each are placed at the vertices of the equilateral triangle. यहां पे 1 kg, यहां पे 1 kg, यहां पे भी 1 kg. एक्चुअली अपना सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम के लिए मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहा हूं. नहीं तो आप बोलोगे सर सर में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है. तो बेटा आपको देखना पड़ेगा, इसके पहले 2 या 3 लेक्चर मैंने आपके प्रॉब्लम लिए हैं, तो मेरे ख्याल से 50 या 60 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ऑलरेडी और आज के, तो ये आपको ध्यान में रखना है. हाँ कंटेंट चालू है तब बीच में प्रॉब्लम लिया, तो कंटेंट में लिंक में प्रॉब्लम है, लिंकिंग में, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कंटेंट पूरा करने के बाद देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. ओके और आपको भी डाउट सेशन के लिए आना चाहिए एक्चुअली. सो आई एम फाइंडिंग दैट नोबडी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन, तो इसका ख्याल रखो बेटा. ठीक है हम जाते हैं पी क्यू आर. और क्या बोले, मास ऑफ 2 kg इज प्लेस एट द सेंट्रोइड. यहाँ पे सेंट्रोइड मतलब क्या है, ऐसा मास ऑफ 2 kg इज प्लेस एट द सेंट्रोइड. ये हो गया 2 kg मास ऑफ 2 kg इज प्लेस एट द सेंट्रोइड. ओके at a distance of root 2 meter from each of the vertices of the triangle. ये भी दिया है, तो ये देखने का मतलब ये root 2 है. ओके सब डिस्टेंस है आपके root 2 है. और क्या पूछा है अभी, the force in newton acting on the mass 2 kg. calculate force in newton acting on mass of 2 kg. अभी ऑप्शन क्या दिया है, 2√2 1 0. बड़ा प्रॉब्लम है ना, याद रखो बेटा जब जब कभी आपको प्रॉब्लम बड़ा दिखे बहुत एकदम. अब ये लिखने में बहुत टाइम जाएगा ना, मतलब ये लिखूंगा मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड समथिंग लाइक दैट एंड मासेस आर प्लेस्ड, बड़ा वाला दिखेगा. लेकिन अभी मैंने जब डायग्राम बनाया उसका, जब हमने उसका डायग्राम बनाया तो समझ में आया कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है आपको क्या क्या बोला है. मैं इसका हिंट देता हूँ, इसका फोर्स आंसर कितना है बेटा, 0 आएगा. करके देखो आप, मैं एक बात बताता हूँ, आप करके देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा. देखो ये है मास P का, ये है मास O, यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे P नहीं है R है ना, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है. तो मैंने आपको बताया बेटा, रिकॉल करो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ये रूट टू बराबर.
इसको ये एडजस्ट करेगा तो बन गया एफ, बराबर एफ वन, इसको एफ टू बोलते हैं, इसको एफ थ्री बोलते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका ये एंगल 120 आएगा, 120। तो अभी इसका अगर मैंने बीचों बीच लिया, क्योंकि इन दोनों का मेरे को एफ ट्वेंटी का नाम, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। इसको यहाँ से किया तो इसका कितना आएगा, और इसको यहाँ से किया तो इसका रिजल्ट निकालेंगे, एफ एन मेरा बन जाएगा एफ वन, ऑफकोर्स एफ वन प्लस एफ टू कॉस 60 प्लस एफ थ्री कॉस 60। लेकिन अभी ये प्लस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर है या आने वाला नीचे, तो यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्शन लिखा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, ये भी और ये भी। अभी देखो ये डिस्टेंस भी रूट टू है, ये भी रूट टू है, ये भी रूट टू है, ये एफ ये टू के जी का है, ये वन के जी का है, ये वन के जी का है, वन के जी का। तो फोर्स एफ वन मैग्नीट्यूड, एफ टू मैग्नीट्यूड एंड एफ थ्री मैग्नीट्यूड और भी सेम, देन बी एफ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एफ टू बेटा मेरा बन जाएगा एफ वन माइनस एफ टू कॉस 60, कॉस 60 वन बाय टू, एफ वन माइनस एफ टू बाय टू माइनस एफ थ्री बाय टू। लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा एफ ही है, तो एफ माइनस एफ बाय टू माइनस एफ बाय टू, एफ बाय टू एफ बाय टू F बन जाएगा, तो F माइनस F बन जाएगा, तो आ गया मेरा आंसर 0। So I will suggest you to read the problem twice at least once rigorously, all the things will be given। तो एक बार problem को ठीक से read करो, read करने के बाद ही आप उसको solve करने जाओ। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे result ऐसे होते हैं जो आपको directly मालूम नहीं है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। So I suggest you note down this and then we'll move on next problem. Note down this. Okay. चलो निकलते हैं अभी problem number 4। तो बच्चों problem number 4 में थोड़ा सा अलग point पे जाएंगे। Wait for a while. तो problem number 4 के लिए हम जाएंगे again acceleration due to gravity. A body of mass 500 gram is thrown upward with velocity 20 meter per second. ये अर्थ है, यहां से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी 500 ग्राम अपवर्ड थ्रो किया है ना, एंड रीचेस बैक टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट आफ्टर 20 सेकंड। तो ऐसा जाएगी और फिर से सरफेस पे, ये टाइम दिया है, टाइम दिया है 20, और ये हाइट रीच करता है सपोज एच, हाइट रीच करता है एच। A body of mass 500 gram is thrown upward with a velocity 20 meter per second and reaches back to the surface of the planet after 20 seconds. Then the weight of the body on the planet is. फिर से आपको मैं प्रॉब्लम बोल के दिखाता हूं। क्या क्या, एक बॉडी है जो हमने क्या किया, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा थ्रो किया कितने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड, और वो कितने एक स्पेसिफिक हाइट को गया और नीचे आ गया, और नीचे आने के लिए उसको 20 सेकंड लगा। तो टाइम फॉर असेंट प्लस टाइम फॉर डिसेंट ये हो गया 20 सेकंड, ये उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट दिया। तो बॉडी का वेट कितना, ऑप्शन देते हैं आपको 2, 4, 5 and 1। 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 1। तो पहले क्या है, बॉडी हैज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉडी का, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा,
सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बच जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u 20 मीटर पर सेकंड, मास कितना दिया है 500 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 0.5 किलोग्राम। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है 20 सेकंड, दैट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बराबर। हाइट कितना रीच करी है, दिया है, है ना, कितना भी हाइट रीच, बराबर। तो पर पूछा क्या है, एम जी बराबर, मतलब हमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, अगर हम जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसका आंसर आता है। सो फर्स्ट कैलकुलेट जी, मास को दिया है, मास को भी कन्वर्ट किया, बराबर। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट रूट ऑफ 2h / g आपको मालूम है, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, बराबर। तो प्रोजेक्टाइल के जो फॉर्मूले हैं, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि वहां पे आपको सब चीजें हैं वो मालूम पड़ती है। तो अभी हम प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से भी गए तो भी चलता है, अगर डायरेक्टली हमने किया तो भी चलता है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आप काइनेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो आपको मालूम है h इज इक्वल टू ut प्लस r gt स्क्वायर, बराबर। लेकिन अभी h को अगर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया हाइट को, मतलब ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में माइनस, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैंने जीरो डाला, u का वैल्यू डाला, t को मेरे को मालूम है, ये अगर h जीरो आता है मतलब मैंने t को पूरा मिला के लिया है, जाने के लिए t1 आने के लिए t2, लेकिन t1 t2 डिफरेंट नहीं रहेगा, जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट विच विल बी सेम एज आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट, सो टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ विल बी सेम, तो वो टाइम में टी ए प्लस टी डी वो आपको दिया है, टोटल टाइम कितना दिया उन्होंने 20 सेकंड है, तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा 20 × 20 बराबर प्लस प्लस देखिए उसको अपवर्ड किया है, तो कुछ भी आपको अपवर्ड के माइनस ले लो तो बाद में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपको इधर का माइनस साइन आएगा, हाफ जी इंटू 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर बन गया, सो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर जी अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20 स्क्वायर, यहाँ पे 20 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, ये माइनस है ये कर लिया 20 स्क्वायर जी अपॉन 2, कुछ भी कर सकता है सब, इसको इधर लिया तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस दोनों भी कैंसिल करके 20 स्क्वायर भी कैंसिल करेगा, बराबर आ गया आपका। तो जी मेरा कितना बन गया 2, और 2 × 0.5 1, तो आंसर आना चाहिए पर जी कितना बन गया, तो जी कितना बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अपना प्रॉब्लम का वैल्यू है, आप बोलोगे जी सब अपना 9.8 आता है, तो वहां पे लिखा है उन्होंने क्या प्लैनेट पे छोड़ा, तो आपको प्लैनेट को नहीं मालूम नहीं है, तो जी आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एम जी कितना आएगा, एम जी विल बी 0.5 × 2, हो गया, अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत सारे छोटे 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 प्रॉब्लम हैं जिसको सॉल्व करने के बाद आपका कंटेंट के ऊपर का जो पकड़ है वो धीरे 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 अच्छा होता है। ओके, तो वो पकड़ रखने के लिए आपको वो प्रॉब्लम करने को प्रॉब्लम नंबर फाइव में आप लिख सकते हो, अ बॉडी वेज 700 ग्राम
graphite on the surface of Earth. W1 is 700 gram weight on Earth surface. तो ये क्या बन गया? Weight of the body. अब ये वेट और मास का ध्यान में रखना है, तो बाद में पहले मैं प्रॉब्लम पूरा कर दूं और आपको इसमें ओके. अ बॉडी वेट्स 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज 1/7 एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ. ओके, फॉर प्लैनेट हैविंग मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया है? 1/7 ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ 1/7 एंड रेडियस इज हाफ ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आर बाय 2. तो हाउ मच बॉडी विल वे ऑन द प्लैनेट. एक बॉडी है जिसका अर्थ की सरफेस पे वेट कितना दिया है? 700 ग्राम वेट. और ये सरफेस पे अर्थ की सरफेस पे, और अगर उस बॉडी को किसी ऐसे प्लैनेट में लिया जाए जिस प्लैनेट पे जिसका मास, प्लैनेट का मास 1/7 ऑफ द मास ऑफ अर्थ है एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/2 of the radius of the Earth. उस planet में उसका weight कितना हो जाएगा? तो W2 question. Okay. First of all देखते क्या है? क्या-क्या? उससे पहले मैं आपको option दूँ. Option 200, 450, 300. All are in gram weight. Okay, so okay, gram weight for 200, 450 and 300. पहले gram weight and kg, kgWt and gWt. The meaning of kgWt is nothing but Newton. Okay. And where the meaning of GWT is dying. समझ गए? This is very आपको ये ध्यान रखना याद रखना. This is important. Okay, ये बन गया. अभी क्या करने का? अभी weight का formula क्या है? W is equal to mg. Mass of body is not changing. ये क्या है? मास ऑफ बॉडी है विच इज कॉन्स्टेंट. बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मेरा डब्ल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी. तो क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू विल बी जी वन अपॉन जी टू. तो अभी वन किसके लिए है? अर्थ के लिए. टू किसके लिए? प्लैनेट के लिए. तो वन लिखेंगे अर्थ के लिए. तो ये अर्थ का, तो टू लिखेंगे मास ऑफ प्लैनेट ना, तो ऐसे लिखेंगे मास का मतलब कवर, इसको हम डब्ल्यू ई बोलते हैं. वो क्या है? तो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू प्लैनेट विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जी ई अपॉन जी पी. इसमें क्या दिया है? अभी मास ऑफ द प्लैनेट दिया है. तो अब ये हो गया एक. नाउ G is equal to G M upon R square. बराबर, तो G constant है, capital G. तो मतलब G क्या होता है? Proportional to M upon R square. अभी हमने solve किया. तो क्या बन जाएगा? G E upon G P ये जो ratio है, वो कितना बन जाएगा? A D R P square upon M P R square. देखो बेटा, मैं आपको सब solve करके दिखा. एक्चुअली हम बोल सकते हैं इसको भी आप सॉल्व करके अपना आंसर लिखो, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. इसका इसको ठीक से देखो बेटा. तो अभी क्या हो जाएगा? देखो,
आपको WA का WB निकालना है ताकि आप WB निकल सके। WE आपको दिया है 700 ग्राम एम डी है, अभी GE अपॉन GP निकालना है उसके लिए हमने रेशियो निकालना है। तो अभी GE अपॉन GP कितना आएगा, GE अपॉन GP ME अपॉन UP, हां MP इज ME / 7 एंड RP इज RE / 2, ME ME वैसे लिखते हैं MP पर MP कितना है MP आता है ME / 7 हो गया मल्टीप्लाई कर RP upon RE bracket square, RP कितना है RE by 2, तो RE by 2 upon RE bracket square, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ME ME कैंसिल हो जाएगा, RE RE कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा मतलब 7 by 1 multiply by ये 2 नीचे जाएगा 1 by 2 brackets, तो GE upon GP कितना हो गया बेटा 7 into 1 square 7 1 into 2 square, 2 square 4, 7 by 4 okay? तो अब G upon GP भी है 7 by 4, तो WP upon WP भी कितना मिलेगा 7 by 4, तो WP भी कितना मिलेगा इधर जाके 4 WP upon 7, तो ये कितना है अपना WP कितना है अपना W जाए 700, तो WP बन जाएगा 4 multiplied by 700 upon 7 ये गया 100 हो गया, तो W गया बेटा 400 ग्राम वेट, तो आंसर बन गया। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, फटाफट इसको नोट डाउन करो। हो गया प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन सी लेवल at the top of mountain R. So, in the weight of object number 1 W in coal mine. दूसरा दिया है W1, हाँ दूसरा दिया है W2, W3, okay? Sea level A1, A2, sea level और W3 दिया है mountain और पूछा है आपको, ये आपको करना है, मैं आपको help करूँगा। W1, W2 and W3 के बीच में क्या relation आएगा, तो मैं भी option नहीं देता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे आपको मालूम है ग्रेटर दैन इक्वल टू और क्या देखते हैं अभी क्या है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन कोल माइन इट इज W1 एट सी लेवल इट इज W2 एंड ऑन द माउंटेन इट इज W3 तो कोल माइन में W1 है सी लेवल पे W2 है एंड माउंटेन पे W3 है तो वो पूछ रहे हैं W1 W2 W3 के रिलेशन क्या है आपको तीन साइज रखते हैं लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल ये साइज यहां पे करते हैं बराबर तो भी हम सॉल्व करते हैं देखो बेटा मैंने आपको बताया है ये रिमेंबर करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो मैं जो आपका रिवीजन लेता हूं That is very much necessary. दो दो तीन तीन टाइम में एक ही चीज बताता हूँ तो बेटा देखो ये मेरा अर्थ है हाँ बेटा अगर ये अर्थ है अर्थ के लिए ये हो जाएगा सेंटर ये सेंटर ये इसका रेडियस आर ओके और अर्थ क्या होता है
सीरियल जो होता है सीरियल के लिए आपको आग लेना है, सीरियल के लिए आपको आग लेना, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसको सटा के अपना सी लेवल बच जाएगा, तो सी लेवल के लिए आपको लेना है आ, सी लेवल आ, आ मतलब जो स्मॉल आर लिखते हैं ना आर प्लस एच, उसमें से वो आ है। माउंटेन, माउंटेन कैसे रहता है, थोड़ा सा अर्थ सरफेस से सी लेवल से ज्यादा रहता है, तो ये जो हाइट है एच ये माउंटेन के लिए आएगा और यहाँ से आपका आ रहा है तो माउंटेन जो बन जाएगा, तो माउंटेन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका थोड़ा सा ज्यादा हाइट पे बन जाएगा, है ना बेटा, तो ज्यादा हाइट पे तो माउंटेन को क्या लेंगे, माउंटेन को लेते हैं आर प्लस एच, बराबर ये आर इज इक्वल टू ये आर इज और कोर माइन, कोर माइन के लिए आएगा डी, क्योंकि कोर माइन अंदर जाता है अर्थ के अंदर होता है, तो कोर माइन के लिए तो माउंटेन यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, यहाँ पे अगर माउंटेन रखा मैंने तो ये आ जाएगा एच, और कोर माइन यहाँ पे लिखा तो ये वो बन जाएगा डी, बराबर बराबर। तो आपको मालूम है पहला व्यक्ति का कोर माइन, तो वन यहाँ पे लिखा वन कोर माइन, कोर माइन के लिए W1 कितना है, W1 will be M G1, ओके G1 कितना है, G1 is equal to 1 minus D upon R into G, मतलब 1 minus D upon R into G, बराबर। दूसरा आएगा C लेवल, W2 कितना आएगा mg2, मतलब ये कितना आएगा mg, क्योंकि g2 है अपना g रेगुलर लेते हैं वो, और तीसरा आएगा माउंटेन, माउंटेन पे क्या होता है बेटा, माउंटेन पे w3 लिखी mg3, तो माउंटेन पे कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, सो यहां पर पहले कोर माइन का पूरा कर देते हैं m into mg into 1 minus d upon r, ये बन गया आपका कोर माइन के लिए, w2 कितना बन गया mg बन गया, और w3 m into g3, g3 कैसे आएगा आपका हाइट, यहाँ पे माउंटेन में क्या दिख गया h is radius देते हैं r, क्योंकि माउंटेन का रेडियस तो अर्थ सॉरी माउंटेन का हाइट तो अर्थ की रेडियस से ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, एक 100 200 300 ज्यादा से ज्यादा 1000 मीटर में होगा, मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा ना माउंटेन की हाइट, हिमालय में कितना है 4000 है ना, तो मतलब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो अपना फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा माउंटेन के लिए बेटा, आपने को लिखना पड़ेगा माउंटेन के लिए g into 1 minus 2h upon r, बराबर 1 minus 2h upon r, बराबर। देखो ये सब दिखाया मैंने, अभी लॉजिकली बोलते हैं, आंसर तो आ गया, अभी लॉजिकली बोलते हैं, मैंने क्या क्या बोला है आपको, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस, तो जी मैक्सिमम बाहर आएगा सी लेवल पे मैक्सिमम रहेगा, मतलब डब्ल्यू टू जो रहेगा आपका मैक्सिमम है, डब्ल्यू टू रहेगा मैक्सिमम, अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी वैल्यू ऑफ जी कम होते जाता है, और अगर हम नीचे आते हैं तो भी वैल्यू ऑफ जी कम होता है, तो W1 will also be less than W2 and W3 will also be less than W, तो इसको इकट्ठा किया ये दोनों को मिला के तो आएगा W ये C और W2, W2 आएगा बीच में, W1 यहाँ पे, W2 यहाँ पे, अभी W1 W2 से छोटा है, so W1 less than W2, W3 W2 से छोटा है, मतलब W2 greater than W3, तो ये sign बन गया, this will be your
answer. So I hope you have understood this. I suggest you to note down this. Then we will go for the next one. हो गया बेटा, अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 7 है द रेशियो बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर रेशियो बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर रेशियो बिटवीन जी एट हाइट 1 किलोमीटर जो लिख सकता हूं वो मैं लिख के देता हूं आपको, नो प्रॉब्लम। एट हाइट 1 किलोमीटर above and depth 1 kilometer below the earth surface is above and g at depth 1 kilometer below is ekdam simple problem aur diya hai r minus 2 upon r minus 1 answer the question r minus 2 upon r minus 1 उन्होंने क्या पूछा आपको? रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और दूसरा एट डेप्थ 1 किलोमीटर बिलो, ये कितना आएगा ये पूछा है। तो अपने को क्या करना है, देखो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, अगर नीचे लिया बीच कर लेंगे 1 किलोमीटर, आर एच कितना ले लेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके ठीक है, तो क्या करना है अभी? जी अभी जी का रेशियो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे जी 1 अपना फॉर्मूला जी इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर एंड जी 2 कितना आएगा जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, हो गया बन गया। अभी कुछ नहीं अपन को मालूम है, क्या मालूम है? एच और डी सेम है, तो आई थिंक आपका आंसर आया होगा। तो ये जी 1 अपॉन जी 2 निकालते हैं, देखो डी से g into 1 minus 2h upon r into 1 by g into 1 minus d upon r, g ने g को काटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्चुअली ये करने का जरूरत ही आप कर सकते हैं, ये कितना आ गया देखो r minus 2h upon r, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 by sorry 1 by r minus d upon r, तो कितना बन गया? तो बन गया g1 by g2 equals मेरे कितना आ गया g1 by g2 equal कितना आ गया r minus 2h upon r into r upon r minus d, बराबर है। तो अभी कितना आ गया r माइनस 2h अपॉन r माइनस d, बराबर, और h और d सेम है बराबर, तो h और d अगर सेम है उनका वैल्यू डाला कितना आएगा r माइनस 2 अपॉन r माइनस 1।
अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आ गया। सो आई सजेस्ट यू नोट दिस डाउन एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, अभी एक होमवर्क के लिए दे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, लेकिन आपको वो होमवर्क ऐसे होमवर्क करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में, ओके वेट वेट फॉर अ व्हाइल। Two planets of radii in the ratio 2:3 are made from the material of density in the ratio 3:2. Two planets of radii in the ratio 2:3 R1, R2 ratio of radii of आपको क्या पूछा उन्होंने? Then the ratio of acceleration due to gravity g1 by g2 on the surface of planet. Pi g1 by g2. Option दिया है आपको, option दिया है 1, 2.25, 4 by 9, 0.1. ये चार option दिया है, और आपको निकालना है का तो आपको मैं ये ऊपर की तरह इसको क्लिक करूं, मैं आपको इसका हिट देता हूं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेटा अभी क्या आया देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बराबर, तो ये आपने किया है इस इक्वल m अपॉन 4/3 / r³ बराबर। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी इसको फिर से सिंपलीफाई करता हूं, 3 ऊपर आएगा 3m/4 / r³। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, हो गया। तो अभी क्या आएगा, n कितना बन जाएगा 4/ρ³/3, बन गया बराबर। तो g कितना बन जाएगा, जी उधर क्या करते हैं, m के जगह 4/ρ³ एक बहुत टाइम हमने सीखा है अपॉन 3 r², तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका कितना 4/ρ g r / 3 बराबर। इसमें से अभी 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो आपका वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आएगा आपका रो और वेरिएबल आएगा आ। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट g इज प्रोपोर्शनल टू रो का, तो g1 / g2 कितना आएगा बेटा, ρ₁ r₁ आंसर कितना आएगा बोलने का जरूरत नहीं है, आप कर सकते। आई सजेस्ट यू नोट दिस डाउन। हो गया बेटा,
answer of number 9. Hello, Veda. A body of mass m is taken from Earth's surface to the height. Body of mass m. Hey, is that diagram you can do? Body of mass m is taken from Earth's surface to height h. We are the बॉडी का मास कितना है m. बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट h इज इक्वल टू 2r. m इज मास ऑफ बॉडी एंड बॉडी इज टेकन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, वो क्या पूछ रहे हैं? The change in potential energy of the body. So find change in potential energy of the body. ये log इसका भी मैं expression करूँगा कि change in potential energy of the body. वो कितना दिया है? 1/3 एम्पीयर. 1/3 एम्पीयर. दूसरा जो है ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है एक्चुअली. एम जी इंटू 2r. तीसरा दिया है आपको 2/3 एम्पीयर और 3 एम्पीयर. ओके, तो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं. जो वर्क डन हमने सीखा था, बराबर ना, तो जो वर्क डन हमने सीखा था उसमें से हमने वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला लिखा था. तो अभी क्या है, अब मेरे लिए जी एम वन एम टू अपॉन आर यह आएगा, उसका बेसिक फॉर्मूला आएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस जी ये फॉर्मूला मैंने आपको जब वर्क डन करना वर्क डन करते उस टाइम का दिया था. तो अपने को पी ही नहीं देते चेंज इन यू मतलब पोटेंशियल. तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा यू वन इनिशियल और ये यू टू चेंज. सो डेल्टा यू विल बी योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वो कितना आएगा? डेल्टा यू आएगा आपका यू टू माइनस यू वन, बराबर. वो आएगा यू टू माइनस यू वन, नहीं तो यू वन माइनस यू टू. अभी देखते हैं यू टू माइनस यू वन. तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी हाँ देखते हैं. अभी इसको थोड़ा सा हम थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं. ये देखो, अभी U कितना दिया है बेटा? U दिया है आपका माइनस जी. ओके, बॉडी का मास कितना है? एम. और का मास कितना है? कैपिटल. तो क्या लिख सकते हैं? जी एम एम अपॉन आर, बराबर. तो पहली बार के लिए U वन कितना आएगा? जी एम एम अपॉन पहली बार के लिए आर लिखेंगे और U टू लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन 2r, बराबर. सॉरी 2r नहीं, r प्लस 2r मतलब ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 3r. तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है वो आपको करना पड़ेगा. तो ये कितना आएगा? u2 माइनस u1 माइनस u2 तो आपका डेल्टा u विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस 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 प्लस जी एम एम अपॉन 3r. तो 3 माइनस 3 ये सॉरी यार एक मिनट हाँ ये ना
ये पहले क्रिया है, उन्होंने डिफरेंस निकाला है, इसका प्लस माइनस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1/3 और 1 में डिफरेंस कितना है, तो हाँ ये आपको अच्छा लगेगा 1/3 माइनस 1, हाँ मतलब 1 माइनस 1/3, तो ये 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 2 2/3 आएगा, तो ये कितना आएगा 2 GMM/3। तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं है, अरे बेटा रुको जरा, मेरा जी क्या है, जी जी एम अपॉन आर, बराबर, तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर, ऐसे किया तो आर आर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 सेपरेट करता हूँ, ये बन गया जी एम, बराबर जी एम, ये एम को बाहर अपॉन आर स्क्वायर हो गया 2/3 लिया, 2 को लिया 3 को लिया जी एम अपॉन आर स्क्वायर को अंदर लिया, हाँ या आपको बच गया और इसको बोला मैंने जी, तो क्या बन गया आंसर हो जाएगा, आंसर आएगा 2/3 एम जी, समझ गया होमवर्क मैं क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी कर दिया, ओके ठीक है, सो ट्राई टू नोट दिस डाउन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो बेटा आज मैंने जी के ऊपर जितने सारे प्रॉब्लम थे उनके ऊपर मैंने एम्फसाइज किया, कल हमने सैटेलाइट के प्रॉब्लम सॉल्व किए, परसों हमने फोर्स के ऊपर जितने प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई किया, ओके अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 के। तो प्रॉब्लम नंबर 10 है आपका, वेट फॉर अ व्हाइल, इफ द प्लैनेट ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस विल बी, प्लैनेट हैज रेडियस आर एंड डेंसिटी रो, प्लैनेट का रेडियस कितना है आर है एंड डेंसिटी रो कितना है, हाँ आर और डेंसिटी रो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द सरफेस, फाइंड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो सपोज एक प्लैनेट लिया है, ओके उसका रेडियस आर है, तो इसी बॉडी को अगर प्लैनेट की हाँ प्लैनेट का मास एम लिखते हैं, ओके और इसका मास एम लिखते हैं बॉडी का, तो इस बॉडी को मुझे प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, तो कितना वेलोसिटी लगेगा, बराबर कुछ नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वी, बराबर तो वी का फॉर्मूला आपका रूट 2 GM/R, बराबर 2 GM/R। तो अभी क्या, अभी पहले इसका ये कर लेते हैं उसका ऑप्शंस आपको देते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू रो आर, वी प्रोपोर्शनल टू रो आर, क्योंकि इसको बहुत करना पड़ेगा बाद में, प्रोपोर्शनल टू रूट रो आर, रूट रो आर बाद में प्रोपोर्शनल टू रूट रो अपॉन आर, और बाद में वो प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, 1/√ρ, ये ऑप्शन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्या करने का है खाली आपको इसमें थोड़ा सा डेवलप करना है खुद से, पहले क्या करो इसको अभी ऑन सरफेस, तो मतलब ये आर या है, तो मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर, मतलब कितना हो जाएगा ये आपको मालूम है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर थ्री जी बनेगा √2 बन गया, और जी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया था ना कितना 4/ρg, हाँ 4/ρg r अपॉन 3, ये सब कॉन्स्टेंट, और ये आर बन गया है रो आर स्क्वायर बन जाएगा, आई थिंक वी इज इक्वल टू √2 ρ r।
स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ रहेगा। अपना आंसर बन गया, अभी आंसर बता दूँगी मैं आपको, देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो को रिवाइंड करो, बाद में हो जाने के बाद पॉज करो, ये फिर से लिख के लो आंसर, आप मेरे को निकाल के दिखा। ओके, सो नोट दिस डाउन। अभी जाकर मेरा प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया, अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया अबाउट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो आप ठीक से उसका स्टडी करो, मॉड्यूल तो आपके साथ है, मॉड्यूल के प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करो। कल परसों तो हमने सब मॉड्यूल के प्रॉब्लम सॉल्व किए, अभी थोड़ी से मेरे पास जो प्रॉब्लम है उनका मैं एम्फोसाइज करता हूँ उनके ऊपर। ओके, escape velocity of the earth is v, escape velocity for the earth is v. The escape velocity for the planet whose radius is 4 times and density is 9 times that of the earth. ये तो ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी वन फॉर अर्थ और एस्केप वेलोसिटी टू विल बी देयर फॉर प्लैनेट। आई थिंक ये मैंने सॉल्व किया है ऐसा लग रहा है, हाँ, फॉर प्लैनेट। ओके, तो उन्होंने दिया क्या है वो लिख के लो खाली, बाकी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, है ना। कितना दिया है एस्केप वेलोसिटी, वेट फॉर अवे, एस्केप वेलोसिटी हाँ रेडियस इज 4 टाइम्स एंड डेंसिटी इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो क्या कह दिया आपको, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये गिवन, दिस इज गिवन। एंड फाइंड करने के लिए बोला है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के, उसका आप कर सकते हो। रेशो वैल्यू अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपको वैल्यू देने का ज़रूरत नहीं है। 36, 12, 6 and 20 वन है उसको वी पकड़ो, टू मतलब प्लैनेट का, तो ये वी वन और वी टू का रेशो निकला। तो वी मतलब सिंपल वी, इसको वी लिखो ये अच्छा चलेगा, इसको वी वी पी जी, तो वी वी पी नहीं वी ई ऑफ प्लान, थोड़ा सा आपको तो क्या आएगा उल्टा रेशो ले लो, वी ई ऑफ प्लैनेट अपॉन वी ऑफ अर्थ विद। अभी क्या करते थे आपको V का फॉर्मूला दिया है, हाँ, अभी अभी इसके पहले प्रॉब्लम में आपने लिया है V का फॉर्मूला क्या दिया है, V इज इक्वल टू रूट टू जी आर बराबर। अभी आपने प्रूव किया है V इज प्रोपोर्शनल टू रूट रो, इसको इसको अभी बीच में भी मैंने किया था ना पहले प्रॉब्लम में, इसके इसके पहले प्रॉब्लम में रूट रो इंटू आर। तो वी वन अपॉन वी टू V1 upon V2 will be root rho, root rho 1 upon rho 2 into R1 upon R2 बराबर। तो अभी जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप लिख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू डू नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम फॉर डूइंग दैट। तो क्या करेंगे बेटा, तो VE प्लैनेट अपॉन वी अर्थ, तो क्या बन जाएगा अपना, अभी बताया था वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट रो इनटू आर, क्या अभी हमने प्रूव किया, अभी इसके पहले प्रॉब्लम में प्रूव किया। तो अभी यहाँ कैसे चलेगा, दोनों का भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, वी ऑफ प्लैनेट अपॉन वी ऑफ अर्थ दैट विल बी रो प्लैनेट अपॉन रो अर्थ रूट, हाँ, मल्टीप्लाई बाय आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ। अभी रो प्लैनेट अपॉन रो अर्थ, रो पी अपॉन रो ई, 9:1 आएगा, ये रूट ऑफ 9:1 मल्टीप्लाई आर पी अपॉन आर आर आएगा 4, सो ये का 9 रूट ऑफ 9 3 इनटू 4 ये आ गया 12, तो ये मेरा आंसर।
तो आज इस प्रॉब्लम सेशन में हमने थोड़े कुछ अलग फॉर्मूले निकाले हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम के बाद मैं थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेता हूँ, नहीं तो ठीक है आप इस प्रॉब्लम से ले सकते हो जो जो मैंने प्रॉब्लम बताया, क्योंकि वो फॉर्मूला यूज़ करके, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। आई थिंक दैट्स गुड इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर यू। आई विल रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। हो गया बेटा, अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। और भी अपने पास टाइम है, वी डू हैव टाइम, नो प्रॉब्लम। और आज का प्रॉब्लम सेशन है, तो ये पूरा आपको नोटबुक में एक 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 प्रॉब्लम लिखना है, और ये प्रॉब्लम मैं आपको भेजूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम 12 लिख के दो। ओके, ये आपको करना है। इफ वी आर एंड जी denote respectively the escape velocity on the surface of earth, then the radius of earth and the acceleration due to gravity, then the correct equation is g acceleration, अभी हमने जो एक्सरसाइज किया ड्यू टू ग्रेविटी, v escape speed और आर दिया है रेडियस ऑफ अर्थ। तो वी जी और आर के टर्म में आपको रिलेशन लिखना है। तो अभी हमने लिखा था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ ये नहीं मायना नहीं है, आंसर है रूट टू जी आर, अभी हमने सॉल्व किया, देखा है ना। अभी तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। तो पहले मैंने सोचा था सॉल्व करने के लिए, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता इसके ऊपर। अभी आपको इस प्रॉब्लम के पहले प्रॉब्लम में उसका दिया है, तो प्रॉब्लम नंबर 30। तो आगे चलते हैं 30 नंबर के प्रॉब्लम में। अभी फिर से थोड़ा सा एक VIMP सवाल है। एक्चुअली ये बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, बहुत बार पूछा गया, तो उसका हम ये करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ वी ई एंड वी ओ रिप्रेजेंट एस्केप एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट करेंट करेस्पॉन्डिंग टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ आर, देन सपोज वी ई एस्केप स्पीड है, if ve escape speed, vo orbital speed or r is radius मतलब वो दिया है radius of the orbit, okay, then आपको बोलना है ve and vo, okay, पहले है ve is equal to vo, a option क्या है ve is equal to vo, b option टू vo, रूट टू वीओ इज इक्वल टू वी, रूट टू वीओ इज इक्वल टू वी, थर्ड ऑप्शन आपका आता है वी इज इक्वल टू वीओ टू वीओ बाय रूट टू, वी इज इक्वल टू वीओ बाय रूट टू, और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपका आता है वीपी वीई एंड वीओ आर नॉट रिलेटेड, वीओ एंड वीई आर सॉरी वीओ एंड वीई याद रखना VO and VE are not related। तो ये तो मैंने आपको कल बताया, तो अभी ठीक है इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। PO क्या बन गया आपका, ऑर्बिटल स्पीड है ना, तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए आपको मान क्या है रूट जी एम अपॉन आर, एस्केप स्पीड क्या है रूट टू जी एम अपॉन, तो अभी आपने प्रूव किया है ना उसके टर्म में, तो क्या प्रूव किया इसको हम लिख सकते हैं रूट जी आर, और इसको बोलते हैं रूट टू जी आर बराबर, तो वी अपॉन वी रेशियो निकालो, तो वी अपॉन वी ओ रेशियो निकालते हैं वी ई अपॉन वी ओ, तो बेटा रेशियो कितना आएगा वी अपॉन वी ओ आएगा रूट टू जी आर अपॉन वो
that I will suggest you to note this down. Now we'll go for problem number 4. Okay. इसके साथ साथ मॉडल में भी जो प्रॉब्लम है उनका आपने हमको स्क्रीनशॉट भेजा तो भी चल सकता है. आई विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर यू. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 4. तो प्रॉब्लम है आपका, इफ आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. आर दिया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. ओके, आर दिया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास एम, मास ऑफ सैटेलाइट. R is the radius of orbit of satellite. M is the mass of the satellite moving around a planet of mass M. Capital M, mass of planet. Okay. तो उन्होंने क्या पूछा है? The velocity of the satellite is given by. तो so, V O is equal to question mark. तो V O क्या है? Orbital velocity of. तो आप बोलोगे इसमें क्या है? इसमें है हाँ v square is equal to g into m by r. ए ऑप्शन दिया है v square is equal to g into m by r. दूसरा ऑप्शन दिया है, अभी इस ऑप्शन को चेक करना है क्या क्या है. v square is equal to g m m upon r. v square is equal to g m m upon r. तीसरा ऑप्शन दिया है आपको. तीसरा क्या दिया है? v is equal to g m upon r. v is equal to gm upon r. v को और चार नंबर v square is equal to gm upon r. तो I will suggest you to practice well for this. समझ सकते हैं कैसे करेंगे? तो ये आएगा आपका orbit speed v is equal to root orbit speed gm upon r. इसको स्क्वायर करने के बाद क्या आ सकता है आपको बोलने का जरूरत नहीं. यू कैन फाइंड दैट. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. इसका स्क्वायर किया तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी नंबर आ आपका ऑप्शन आ सकता है. सो नोट दिस डाउन, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वन मोर प्रॉब्लम विल ओके. थोड़ा भी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 के लिए. प्रॉब्लम नंबर 15 में आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 15 में आपको दिया है टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एट हाइट 3600 किलोमीटर. टाइम पीरियड क्वेश्चन. सैटेलाइट कौन कौन सा है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. आर कितना दिया है? आर दिया है ऑर्बिटल रेडियस. ऑर्बिटल रेडियस दिया है आपको. एक मिनट, कहाँ गया प्रॉब्लम? वेट फॉर टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. हाँ ओके, एट हाइट एच 3600 किलोमीटर. ओके, इन 24 आवर्स. ओके, ईच 24 आवर्स. तो वो तो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर ही आएगा. ओके, और क्या पूछा है अभी? अ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड. देयर इज अ स्पाई सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज to Earth surface. So, what is its time period? Or answer दिया है 4, 1, 2, 1.5. 4, 1, 2, 1.5. Of course, ask.
ये तो आपको होमवर्क जाने वाला है, ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। हिंट देंगे, हिंट देता हूँ फिर क्या है बेटा जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, वो दिया है मैंने तो। हाँ, तो स्पाई सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट का मतलब क्या है, स्पाई सैटेलाइट ऐसे दिखेगा, दिखा दो स्पाई सैटेलाइट के लिए ऐसे दिखेगा जो इट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ। तो उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी नियरली इक्वल टू आर, ऑर्बिटल रेडियस आर हो जाएगा। तो उसके लिए आपका ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, बराबर ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसका अगर यूज किया तो टी वन बाई टी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर वन बाय आर टू ब्रैकेट क्यू। टी वन मालूम है आपको, टी टू मालूम नहीं है, ये मालूम है आर, ओके, और ये तो एच दिया है, सो आर प्लस एच, तो ये आपको मालूम है। ये आर वन कितना आएगा इसका, ये टी वन आएगा 24 अपॉन टी टू ब्रैकेट स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर प्लस 3600 अपॉन आर टू, कितना आ रहा है, तो उसका कैलकुलेट किया तो हो जाएगा रिपीटिंग पेपर। आर कितना मिलेगा, आर मिलेगा 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशन किया फिर कैलकुलेट दैट देन कितना आ रहा है। एक्चुअली होमवर्क है, तो होमवर्क आपको करना चाहिए, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ओके। चलो इसको नोट डाउन। तो बेटा इन दिस वे वी हैव मोस्टली कंप्लीटेड द प्रैक्टिस फॉर ग्रेविटेशन, ओके। नाउ वन मोर प्रैक्टिस सेशन वी विल कीप ऑन सैटरडे सो दैट यू विल बी हैविंग आइडिया, सैटरडे मींस टुमारो यू विल बी हैविंग आइडिया ऑफ व्हाट टू डू। वन मिनट, टुडे इज फ्राइडे ना, ओह सॉरी सॉरी, so this is the last session because tomorrow will be 8 and day after, मतलब मैं record कर रहा हूँ 7th को, ध्यान रखो। तो अभी मैं आपकी तरफ बोलता हूँ, आज Saturday है तो कल आपका exam है, so wish you best luck for the exam। जितना सब problem दिया है आपको उसका practice करो, exam ठीक से जाने वाला है, कुछ cheating मत करो, अपने आप से honestly काम करो, आपको जितना mark आएगा I don't have any problem. Those who are doing good work, for them, if you are getting less marks, okay, we will improve. But don't make cheating. आप घर से दे रहे हो exam, तो try not to cheat. Okay? ये बोलने की actually ज़रूरत नहीं है. So again, wish you best luck for tomorrow's exam. And till that, again, next time I will come with I think paper discussion. So till that, stay home, stay safe and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Again, happy learning and best of luck. Bye-bye.